तो बच्चों यहाँ से आपके पूर्व रूप संधि शुरू हो गई है और पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति। तो ये सूत्र कहता है कि एंग वर्णों के बाद में यदि ह्रस्व आ आवे तो उस ह्रस्व आ को पूर्व रूप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से अभी देख लेते हैं, शब्द है हमारा हरे अव, तो संधि विच्छेद करेंगे हरे प्लस अव। तो जब हरे प्लस अव हुआ तो इस आ के लिए ये पूर्व रूप आ हो जाएगा, जिसे संस्कृत में खंडाकार आ बोला जाता है। तो इस प्रकार का इसका रूप ये हो जाएगा और फिर हरे के बाद में इसको इस प्रकार दर्शा दिया जाएगा। हरे में जो ए है वो एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, जैसा कि यह दिखा दिया गया है ए ओ। तो हरे में ए है, विष्णु में ओ है, तो ये दोनों वर्ण एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं और इनके बाद में जो आ है इस आ के लिए ये इस प्रकार से पूर्व रूप हो जाएगा, ये अपने पूर्व रूप में अवस्थित हो जाएगा। इसी को पूर्व रूप संधि कहा जाता है। तो दूसरा शब्द है विष्णु अव, इसकी भी स्थिति यही है, विष्णु प्लस अव, विष्णु में ओ है और ओ एंग प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसको जब एंग प्रत्याहार का वर्ण है यहाँ, तो इस आ के लिए पूर्व रूप हो जाएगा हरे अत्र, हरे प्लस अत्र। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण पूर्व रूप संधि के आया करते हैं, मैंने तो थोड़े से उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया है। जहाँ जिस शब्द में इस प्रकार का आ बना हुआ हो वहां आप जान लीजिए कि पूर्व रूप संधि है। इसमें हरे प्लस अत्र, तो हरे में ए है, अत्र में आ है और आ भी है, तो वह ह्रस्व आ है। दीर्घ आ का यहाँ कोई वर्णन नहीं है, यहाँ दीर्घ आ नहीं आना है, ह्रस्व आ ही आना है। तो हरे प्लस अत्र, हरे में ए है, बाद में आ है, तो इस आ के लिए पूर्व रूप हो गया। शब्दों के अर्थ देख लेंगे, हरे अव, तो अव शब्द जो है वो रक्षा करने हेतु प्रयोग होता है। जैसे एक मंत्र है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो सहना अवतु, बच्चे कहते हैं कि हे प्रभु हमारे और हमारे गुरु की साथ साथ अवतु मानी रक्षा करें। तो ये वही अव है, हरे अव, हे हरे, हे हरि हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु अव, हे विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। हरे अत्र, हे हरे, हे हरि यहाँ हो, या हरे यहाँ है। ये संबोधन वाचक शब्द हैं, तो हे हरे अत्र का भी अर्थ यही होगा, हे हरे आप कहाँ हो। तो बच्चों आपकी है पररूप संधि है, पररूप संधि का सूत्र है एंग पररूपम। एंग पररूपम सूत्र कहता है कि एंग वर्णों के बाद में यदि एंग वर्णों के अवर्णांत उपसर्ग उपसर्ग के बाद में एंग वाली धातुएं आवे, जो ए ओ से शुरू होवे, ऐसी धातुएं जो आवे तो आ पररूप में बदल जाता है, आ का पररूप हो जाता है। जैसे कि परिभाषा में दिया है अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग ए ओ वर्ण आए तो आ धातुओं के साथ मिलकर पररूप हो जाता है, उन्हीं के स्वरूप वाला। पर से तात्पर्य है पर माने दूसरा और रूप माने स्वरूप, दूसरे के स्वरूप वाला। जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं, प्रेजते शब्द है, अब प्रेजते को हमने तोड़ा प्र प्लस एजते। प्र जो उपसर्ग है वो अवर्णांत है, यदि अवर्णांत नहीं होता तो इसमें हलंत लगा होता, अब हलंत नहीं है, उप भी अवर्णांत है, प्र भी अवर्णांत है, इसमें आ समाहित है, यदि अस्वर ना होता तो प्र बोला ही नहीं जाता, उच्चारण करने में नहीं आता, इसलिए इसके अंत में आ है और अ के बाद में है प्र उपसर्ग, अवर्णांत हुआ, और इसके बाद में ए से बनने वाली धातु है एज धातु है, और इसमें प्र उपसर्ग, वैसे एज धातु पालन पोषण के अर्थ में प्रयुक्त होती है लेकिन उपसर्ग लगने के बाद इसका अर्थ बदल गया। अब प्रेजते का अर्थ हुआ प्रदीप्त होना, अग्नि का प्रज्वलित होना या फिर प्रदीप्त होना। तो प्र में जो आ है वो ए से मिलकर के उसी के रूप वाला हो गया, तो हमारा शब्द सिद्ध हुआ प्रेजते। तो प्रेजते से तात्पर्य है प्रदीप्त होता है। उपोषति,
उप प्लस ओषति, उप भी अवर्णांत उपसर्ग है, पा में असमाहित है, अंत में आ गया, और आ के बाद में ओ है, ओष धातु भी पालन पोषण के अर्थ में प्रयुक्त होती है। भाई उपसर्ग लगने पर उपसर्ग या प्रत्यय लगने के बाद में अर्थ बदल जाता है, तो यही स्थिति यहाँ भी है। कहा तो पालन पोषण करना और उप उपसर्ग लगने के बाद में अर्थ हुआ जलता है, उपोषति मानी जलता है। तो ये उप का जो आ है पामे आ, ये ओ में मिलकर के इसी के स्वरूप वाला हो गया, तो शब्द सिद्ध हुआ हमारा उपोषति। तो इस प्रकार से पररूप संधि को हमने जाना है। और भी उदाहरण अगर कहीं आवे आप मिले आपको, तो आप इसी प्रकार से समझ लेंगे कि पहले उपसर्ग लगा हुआ है और इस प्रकार से बनी हुई संधि है, तो शब्दों को तोड़ के देख लेंगे क्या सार्थक शब्द बनते हैं दोनों। ये भी सार्थक हो, ये तो उपसर्ग है ही, ये सार्थक शब्द बने, धातुएं हैं ये, तो धातुएं निकल के आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर रूप संधि है। तो बच्चों आज आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।